उदासी हर तरह। मेरा और मेहरबानों का सादगी से निकाह पढ़वा दीजिए। 2 दिन के बाद जुमा है, जुमे के दिन निकाह कर लेते। बेटा तुम्हें हसन के साथ शादी से कोई एतराज तो नहीं? हम हसन आ गए हैं, हम चलें। खाला, खाला क्या हुआ? खाला, खाला, खाला। फरिया, हम अमीना खाला अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि जो लस्सी आपके लिए आई थी उन्होंने क्यों पी ली? मैं अम्मी की टेट पढ़ लेकर मिलता हूँ। अच्छा, बस आशा जाने वाले चले जाते हैं, अपनी यादें छोड़ जाते हैं। सही कह रहे हैं जी, मगर माँ की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। उन्हें हुआ क्या था? ये अचानक मौत? वक्त आ गया था। हमने तो सुना है आपकी शादी होने वाली थी, बेचारी बेटे का सेहरा देके बगैर ही दुनिया से चली गई। मेरा ख्याल है कि अब हमें चलना चाहिए। दोबारा कल शाम में मुलाकात। मैं कल स्वयं के बाद कराची वापस लौट जाऊंगा, कुछ काम निपटाने हैं मुझे। आप पीछे ख्याल कर लीजिए। देखिए हसन साहब, केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। मेहरबानों के स्टेटमेंट के मुताबिक लस्सी उनके कमरे में शानू ने रखी, और शानू का कहना है कि वो उस वक्त घर पे मौजूद ही नहीं थी। किसी पे यकीन नहीं कर सकता मैं, मेरे लिए इस वक्त हर कोई पूछ रही है। मत मारी गई जब मैं कराची आई, किस मुसीबत में फंस गई। शाह साहब भी मुल्तान चले गए, मुझे लेकर भी नहीं गए। छोटा सा था जब मेरी गोद में खेलता था, अब बड़ा आदमी बन गया तो पहला शक ही शानू अम्मा पर गया। देखो शानू, जब तक पुलिस अपनी तफ्तीश नहीं मुकम्मल कर लेती, हम में से कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। अगर कोई जा सकता तो सबसे पहले मैं चली गई होती। लगारत करे इस मेहरबानों को, जब से इस घर में आई है मुसीबतें ही मुसीबतें देख रहे हैं हम। सही कह रही हैं आप, मुझसे तो उसकी कोई दुश्मनी भी नहीं थी, फिर भी पुलिस स्टेशन पे मेरा नाम दे दिया कि मैंने लस्सी बना कर दी थी। मैं तो आपके साथ थी, आप खुद बताएं। अरे शानो, ये लड़की बहुत चालाक है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी तरफ से मैं गवाही दूंगी। अब देखना, मुझ पे और मेरी बच्ची पे इल्जाम लगाएगी, हसन तो पहले से उसकी मुट्ठी में। नहीं बीबी जी, अगर ये ऐसा करेगी तो मैं आपके हक में गवाही दूंगी। देखो शान, पुलिस को ये जरूर बताना कि ये लड़की एक दफा घर से अपने आशिक बिलाल के साथ भाग चुकी है, और जब इसकी वीडियो आई थी ना तो दफ्तर में एक लड़की पे हमला भी किया था इसने। अब मैं कुछ कहूंगी तो समझेंगे कि सास बहू की दुश्मनी। मुझे तो इस लड़की की समझ में नहीं आती, सब कुछ उसकी मर्जी से तो हो रहा था। अरे कोई मर्जी वर्जी नहीं, अमीना तो हसन की जिद की वजह से मजबूर हो गई थी, वरना वो खुश थोड़ी थी इस रिश्ते से। वो अपने दिल की बात सिर्फ मुझसे ही किया करती थी, एक मैं ही तो बहन बची थी उसकी। चलो खुश ना सही, वो मान तो गई थी ना। मेहरबानों सिर्फ अपना रास्ता साफ करना चाहती थी। अरे उमर से मेरी और फरी की शिकायतें किया करती थी, तुम पे तो वैसे भी लस्सी पिलाने का इल्जाम लगा ही चुकी है,
अब अगर ये सब बातें तुमने पुलिस को ना बताई ना तो तुम जेल की सलाखों के पीछे होगी, समझी? हसन साहब, मेहरबानों और शानों के बयान में बहुत तसाद। बहरहाल अभी हम आपकी खाला और फरिया का बयान रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद इन सबको एक साथ बिठाएंगे, तभी कोई नतीजे पर पहुंच सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप फरिया से भी जरा सख्त लहजे में बात कीजिए। किससे किस तरह पूछना है वो आप हम पे छोड़ रहे हैं। जिस गिलास में आपकी वालदा को लस्सी दी गई थी उसे हमने फॉरेंसिक लैब भिजवा दिया, वहां से भी जल्दी रिपोर्ट हमें मिल जाएगी। आफाक, आमना से कहो जो लड़की फरिया है ना उसे लेकर आए। हसन साहब, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर बैठे। जी। उसके पीछे जाकर उसके कान भरने की कोई जरूरत नहीं, समझी? खुद बुला लेंगे पुलिस वाले। शानू, जरा नजर रखना, इसमें भी गायब ना हो जाए। मैं जरा हसन को देखकर। शानू, तुम भी इन लोगों की बातों में आ गई? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये भी फरिया की नई साजिश है। मुझे नहीं पता, मैं तो पुलिस वालों को वही बताऊंगी जो सच है। क्या सच है शानो? तुम मुझसे कसम ले लो। ना बीवी जी, छोटी कसम ना उठाना, बड़ा अजाब आएगा। शानो, तुम भी अम्मी और फरिया की तरह समझती हो कि मैंने अमीना खाला को जहर दिया, कि मैंने उन्हें मार दिया? मैं ऐसा क्यों करूंगी शानो? में ये सब आप पुलिस वालों को बताएं, मुझे नहीं। मैं जानता था कि आप उस बिचारी पे सारा इल्जाम धरेंगी, वो क्यों करेगी ये सब? हसन, अपनी आंखों से मोहब्बत की इस पट्टी को उतार कर देखो। मेरे लिए एक लड़के का रिश्ता आया था, उससे मेरी भाभी का चक्कर हो गया था। ये क्या कह रही हैं आप ही के सवालों का जवाब दे रही हैं। खाला, शायद आपको भी अंदर जाना पड़ेगा, बिकॉज पुलिस आपसे भी कुछ पूछ गछ करना चाह रही। ठीक है, तुम बता दो मुझे क्या कहना है। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। अगर तुम समझते हो कि मैंने यह फरीन है अमीना को जहर दिया है, तो मैं खुद ने यह बात बता दूंगी। इन इल्जाम के बाद तुम्हारे घर में रहने से बेहतर है कि मैं और मेरी बेटी सारी जिंदगी जेल में गुजारते हैं। खाला जान, मैंने कब कहा ऐसा कि ये सब आपने किया? लेकिन फरीद, वो तो अपने पागलपन में कुछ भी कर सकती है। हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ। अगर तुम्हें यकीन है कि फरी ने अपनी खाला को जहर दिया है तो ठीक है, हम कबूल कर लेते हैं अपने जुर्म। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि और कौन कर सकता है ये? मेहरबानों, मैं जानता था कि आप उस बिचारी पे सारा इल्जाम धरेंगी, वो क्यों करेगी ये सब? हसन, अपनी आंखों से मोहब्बत की इस पट्टी को उतार कर देखो। हो सकता है उसका कोई आशिक मिलने आ गया और अमीना ने अपनी आंखों से सब देख लिया हो। उसने अमीना का मुंह बंद करने के लिए हमेशा को उसकी आंखें ही बंद कर दी। तुम मेरी बात का यकीन करो ना करो, बखुदा मैंने उसको और बिलाल को खुद रंगे हाथों पकड़ा था, और फिर उमर से कह के मेहरबानों ने बिलाल और फरी का रिश्ता रुकवाने की कोशिश की थी। आज अगर मेरा उमर जिंदा होता तो मेरी बात की गवाही देता। काश अमीना जिंदा होती। अल्लाह जाने मेहरबानों का कौन सा राज लिए इस दुनिया से चली गई। खाला जान, अम्मी बहुत खुश थी मेरी और मेहरबानों की शादी पर। खुश नहीं थी हसन, सिर्फ खुश नजर आने की कोशिश करती थी। उसे पता था कि तुम्हारी ख्वाहिश के आगे अगर उसने इनकार कर दिया तो बेटे को खो देगी। उसने तो मरने से पहले मुझसे माफी मांगी कि वो फरी को अपनी बहू नहीं बना सकी।
अपनी माँ को तो तड़पता और मरता हुआ देख ही चुके हो, आप अगर उसके रूह को भी तड़पाना चाहते हो तो कर लो मेहरबानों से शादी। और हाँ, उमर की मौत के वक्त तुमने मुझसे कहा था कि खाना मुझे उमर की जगह समझे, तो आज मैं भी तुमसे कह रही हूँ कि मुझे अमीना की जगह समझो। मैं तुम्हें माँ की कमी नहीं महसूस होने दूंगी, मैं खुशी खुशी धूमधाम से तुम्हारी शादी मेहरबानों से कराऊंगी। तुम फिक्र ना करो हसन, फिक्र ना करो, नहीं कराऊंगी शादी। जिस वक्त ये वाकया हुआ आप कहाँ थी? मैं अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग पे गई हुई थी, हम लोग तो बहुत खुश थे। किस जगह गई थी शॉपिंग पे? फरहत मार्केट। फरहत मार्केट, ये तो आपके घर के करीब है ना? जी। तो आप सारा वक्त अपनी मम्मी के साथ थी? मेरा मतलब है कि थोड़ी देर के लिए आप अलग नहीं हुई? आपकी मम्मी नमाज पढ़ने गई हूँ या वॉशरूम गई हूँ? नहीं नहीं, हम सारा टाइम साथ ही थे, बल्कि हमारे साथ हमारे घर की मुलाजमा शानू भी थी, आप चाहे तो उससे पूछ लें। उसका बयान दर्ज कर लिया गया। आप मेहरबानों और हसन की शादी से खुश नहीं थे, क्या ये बात सच है? जी। क्यों? क्योंकि हसन मेरा बचपन का मंगेतर था और मेहरबानों मेरी भाभी। तो हसन ने आपसे शादी क्यों नहीं की? ये तो आप हसन से ही पूछें। देखिए बीबी, हमें हर तरह से इस केस का जायजा लेना है। ये सब आपको मेहरबानों ने ही बोला है ना, बल्कि वो तो मुझे मेरे भाई की मौत का भी जिम्मेदार ठहरा रही थी। आप बताएं, क्या कोई बहन अपने भाई को मार सकती है? आपके भाई की डेथ कैसे हुई? एक्सीडेंट था, वो काफी परेशान रहते थे। क्यों परेशान रहते थे? मेरे लिए एक लड़के का रिश्ता आया था, उससे मेरी भाभी का चक्कर हो गया था। ये क्या कह रही हैं आप? आप ही के सवालों का जवाब दे रही हैं। जाओ, उस लड़की मेहरबानों को लेकर आओ। जी सर। हसन साहब, हमें जरा सख्ती करना पड़ेगी, क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ जा रहे हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक लस्सी के गिलास पे सिर्फ आपकी वालदा और मेहरबानों के उंगलियों के निशानात, और अगर आप फिर भी चाहते हैं हम ये केस बंद कर देते हैं। जो भी मेरी मां का कातिल है, वो जो कोई भी, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। ठीक। हाँ बीबी, सच सच बताओ, क्यों दिया तुमने अपने होने वाली सास को जहर? मैंने नहीं दिया, मैंने नहीं दिया, मैंने नहीं दिया, मैंने नहीं दिया। कब तक ये राह गलापती रहोगी? सच सच बताओ, तुम वही लड़की हो ना जिसने अपनी वीडियो बना के इंटरनेट पे डाली थी? नहीं, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, मेरी ऐसी कोई वीडियो नहीं है, मैं वो लड़की नहीं हूँ। सारी दुनिया ने देखी है वो वीडियो। मैं वो लड़की नहीं हूँ, मैं कातिल नहीं हूँ, मैं आवारा नहीं हूँ, मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई। साहब, मुझे तो साफ लगता है इसने अपने आशिक के साथ मिलकर अपनी सास को जहर दिया है। ये रोनो धोना बंद करो, ये ड्रामे यहाँ रोज चलते हैं। सच सच बताओ, क्यों कत्ल किया तुमने? आपकी खाला के बयान के मुताबिक जिस वक्त ये वाकया हुआ उस वक्त घर में आपकी वालदा और मेहरबानों के अलावा कोई नहीं। हो सकता है कि कोई लड़का मेहरबानों से मिलने आया हो और आपकी वालदा ने देख लिया हो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेहरबानों ऐसी लड़की नहीं। हसन साहब, ऐसे केसेस हम रोज देखते हैं। आपकी खाला ही बता रही थी कि उनके बेटे को रास्ते में कोई लड़की मिली और उसने उसे फंसा लिया।
आप बहुत बोले हैं हसन साहब, इतनी जल्दी किसी पे एतबार नहीं करते। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, ठीक है, बंद कर दीजिए इस केस को। सब वाजे हो गया है कि मेहरबानों ने सब कुछ किया है, तो अब तहकीक करने के लिए क्या रह गया है? उन्होंने तो बताने के लिए फोन किया था कि मेहरबानों को पागलखाने भेज दिया गया है। इस लड़की की गैर अखलाकी वीडियो भी इंटरनेट पर मौजूद है। आई सी। आ जाओ। शानो। जी बीबी जी। हसन घर पे है या चला गया? अभी तक तो घर में ही है, वो पुलिस स्टेशन से फोन आया था। क्या फिर बुला लिया उन्होंने? मैं तो इनकी पूछगछ से तंग आ चुकी हूँ। अब जब सब वाजे हो गया है कि मेहरबानों ने सब कुछ किया है, तो अब तहकीक करने के लिए क्या रह गया है? नहीं नहीं बीबी जी, उन्होंने उनको बुलाने के लिए फोन नहीं किया था, उन्होंने तो बताने के लिए फोन किया था कि मेहरबानों को पागलखाने भेज दिया गया है। क्या? जी इसीलिए फोन किया था। तो हसन ने क्या कहा? कुछ नहीं बीबी जी, सुनकर फोन रख दिया। अरे बीबी जी, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, उल्टा हाथ कुछ भी नहीं आया, पहुंच गई पागलखाने। अच्छा बस करो, उस मेहरबानों का जिक्र अब मत करो इस घर। हसन साहब भी यही कह रहे थे। क्या हसन ने भी यही कहा? देर से ही सही, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। काश वो मेहरबानों को अपने घर ना लाते तो आज अमीना बीबी मेरी जिंदा होती। अच्छा अब रहने दो इन बातों को और जाओ किचन, देखो मैं अभी आ रही। आपने डॉक्टर नासिर से उस पेशेंट का फॉलोअप किया था जिसके बच्चे उसको यहाँ छोड़ के गए थे? सज्जाद। हाँ सज्जाद, कैसी तबीयत है उनकी? जी सर काफी बेहतर है, वो बस अपने बच्चों को मिस करते हैं। तो कोई घर से आके मिलता नहीं क्या? मैंने समझाया भी था उनके बेटे को, तो उनके वालिद को इलाज से ज्यादा था बच्चे की जरूरत है। सर आप तो हर पेशेंट के बारे में यही कहते हैं। क्योंकि हर पेशेंट को तवज्जो की जरूरत होती है। वो जो लड़की चीख रही थी कौन थी वो? आई डोंट नो सर, मेरे ख्याल से न्यू पेशेंट है, मैं डॉक्टर नासिर से पूछ के बताती हूँ। आप ऐसा करें कि डॉक्टर नासिर को यहाँ भेजते हैं, मैं उनकी जरा केस हिस्ट्री चेक करता हूँ। ओके। मैम कहीं जा रहे हैं? मेरी दोस्त शाइस्ता के यहाँ जाके रहेंगे। क्यों? इसलिए कि मजीद यहाँ रहने की गुंजाइश नहीं रही। मगर क्यों अम्मी? वही, क्योंकि मजीद पागलपन की गुंजाइश नहीं है। अब तो सब ठीक हो रहा है। एक जान चली गई, एक लड़की पागलखाने पहुंच गई। मेरा दिल कहता है यूं जिंदा और मुर्दा लाशों के ऊपर तुम अपनी खुशी का महल तामीर नहीं कर सकती। हाँ तो किसने कहा था अमीना खाला को कि मेहरबानों के लस्सी का ग्लास कटाकट पीती चली जाए? अच्छा बस करो, बहुत देर हो गई।
मीम थोड़े दिन और रुक के देख लेते हैं, क्या पता हसन मुझमें इंटरेस्टेड हो जाए, मुझसे शादी कर ले। हसन चुप हो गया फरी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका दिल तुमसे साफ हो गया। हालात के हिसाब से तुम खुशकिस्मत थी, मगर इतनी भी नहीं कि हसन तुमसे शादी कर ले। वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। सलाखों से बचना चाहती हो तो चलो यहाँ से जल्दी। लेकिन बस चुप हो जाओ, मैं कह रही हूँ बहुत हो गया। सर मेहरबानो नाम है उस लड़की का, किसी कत्ल केस में गिरफ्तार थी, वहां दौरे पड़ते थे तो उन्होंने यहाँ भेज दिया। और कोई खास बात? सर इस लड़की की एक गैर इखलाकी वीडियो भी इंटरनेट पर मौजूद है। I see. तो यानी कि इसीलिए ये उसको कत्ल करना चाह रही होगी जिसने उसकी वीडियो बनाई, और प्रॉब्ली वो उसको ब्लैकमेल कर रहा होगा। सर ये तो नहीं मालूम कि उस लड़की ने किसको कत्ल करने की कोशिश की थी। क्यों? आपको मालूम होना चाहिए। जब तक हमें केस की पूरी हिस्ट्री मालूम नहीं होगी, हम इलाज किस तरह करें? सर असल में ये लड़की आज ही एडमिट हुई है, और डिटेल्स मैंने अभी तक देखी नहीं। तो फिर देखें और फिर आएं। बल्कि समन आप नासिर के साथ जाएं और जितने भी नए पेशेंट्स हैं उनकी केस हिस्ट्रीज निकालें। राइट सर। थैंक्स। हसन जी खाल, कहीं जा रही हैं आप? हाँ। कहाँ? मेरी एक सहेली है, मैंने उनसे कहा है कि कुछ दिन मुझे और फरी को अपने पास रख लें, उसके बाद कोई और बंदोबस्त कर लूंगी। क्यों खाला, कोई तकलीफ है आपको यहाँ पे? तकलीफ? इस घर में हमारे ऊपर कत्ल का इल्जाम लगा, तुम कहते हो कोई तकलीफ है? और हाँ, हम जहां भी जाएंगे तुमसे राब्ते में रहेंगे, बल्कि अपना पता भी पुलिस स्टेशन पे दे जाएंगे ताकि अगर तफ्तीश के लिए बुलाना हो तो बुला लें। खाला वो सब ठीक है, लेकिन इस तरह से मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। आप जानती हैं अम्मी को आपका कितना ख्याल था। इसीलिए तो जा रही हूँ कि अब इस घर में हमारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं रहा। खाला मैं हूं ना आपका ख्याल रखने के लिए। तुम ख्याल करने के लिए नहीं हो, तुम शक करने के लिए हो। और तुम भी अपनी जगह ठीक हो। जब कोई बेआसरा हो जाता है तो जिसका दिल चाहता है जो दिल चाहता है कहता है, इसलिए मेरे ख्याल में बेहतर है कि अब मैं यहां से चली ही जाऊं। उमर के कंपनी की तरफ से कुछ पैसे मिले थे और कुछ जेवर है मेरे पास जो मैंने फरी की शादी के लिए रखा था, उसे भी बेच दूंगी, किसी ना किसी तरह गुजारा हो ही जाएगा। मैं सारा खर्चा उठाऊंगा, कोई जरूरत नहीं है आपको जेवरात बेचने की या किसी गैर के घर जाके रहने की। ये घर आपका अपना है। जब तक अमीना जिंदा थी मैं भी इस घर को अपना घर समझती थी, लेकिन अब खाला मैं ऐसा क्या करूं कि आप रुक जाएं? नहीं बेटा, तुमने तो पहले ही हमारा बहुत ख्याल रखा है। मैं अगर फरिया से शादी करूं तो लव स्टोरी, द इटर्नल लव स्टोरी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैंने अम्मी को भी समझाया है कि वो तुमसे बिल्कुल जबरदस्ती ना करे। कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता मुझसे।
खाला मैं ऐसा क्या करूं कि आप रुक जाएं? नहीं बेटा, तुमने तो पहले ही हमारा बहुत ख्याल रखा है। मैं अगर फरिया से शादी करूं तो लेकिन तुम्हें तो शक था कि इन सब चीजों के पीछे फरी का हाथ है। आप मेरी जगह होती तो क्या ये शक ना गुजरता? मेहरबानो नफ्सियाती मरीजा थी, इसलिए पागल खाने पहुंच चुकी। और कब तक जिरा करता फिरूंगा मैं उसके लिए? जो हकीकत थी वो खुल गई, लेकिन एक बात जो बार बार मुझे सताती वो ये है कि जब हम दोनों की शादी हो रही थी, अम्मी रजामंद हो चुकी थी, तो फिर उसने ये सब कुछ क्यों किया? लेकिन इस क्यों को लेकर कब तक भटकता रहूंगा? पागलों की हरकतों का जवाब क्या हो सकता सिवाय उनकी बीमारी के? और कुछ जाहिर भी तो नहीं हो सकता। इसलिए एक बार फिर सोच लीजिए। क्या मैं आपको बहैसियत दामाद कबूल हूं? बेटा वो तो थे ही तुम्हारे, देख लीजिए आ गए आपके दामाद साहब। आती है इसमें का पूछे सलामुलेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? नो थैंक्स मां। ये बताएं अस्मा कैसी है? बस ठीक ही है। कोई प्रोग्रेस? नहीं बेटा कुछ भी नहीं। मैं जाके से बात करता हूं। मिलना क्या है, बस जाके देखेगा ही ना। अगर कब तक वफादारी निभाएगा? 2 साल हो गए बिला नाके अस्मा की खिदमत किए जा रहा है। थक हार के एक दिन दूसरी शादी कर लेगा। खुदा ना करे, जब तक अस्मा को होश आ ही जाएगा। ये उम्मीद है, ये दिलासे हम एक दूसरे को कब तक दे सकते हैं? हकीकत ये है कि एक दिन बेजार हो जाएगा और मर्द ज्यादा तीमारदारी जो है उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। Any progress? राइट हैंड में थोड़ी सी मूवमेंट हुई है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल? जी सर, बीपी, टेम्परेचर, पल्स सब ठीक है। देखो अस्मा, आज मैं जल्दी आ गया। आज थर्सडे है ना, और तुम्हें याद है हम हर थर्सडे को मूवी देखने जाया करते थे। देखो मैं एहतियातन टिकट्स भी ले हैं। बस तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो शायद मूवी देखने ना जा सके। मैंने सोचा था कि शायद आज तुम उठ जाओ, मुझसे बातें करो, मुझसे लड़ो, हमेशा की तरह जिद करो कि तुम्हें ये मूवी नहीं देखनी, क्योंकि कभी हमारी मूवी में चॉइसेस मिली नहीं। लेकिन मैं फिर भी तुमसे कहूं कि इस वीक हम ये मूवी देखेंगे, नेक्स्ट वीक तुम्हारी चॉइस की होगी, लेकिन फिर भी तुम जिद पे अड़ी रहती। उसके बाद हम सिनेमा जाते और उसको ब्लैक करते टिकट्स को, और उसकी जगह कोई और टिकट्स ले लेते।
वैसे ये मूवी भी अच्छी है, लव स्टोरी है, द इटर्नल लव स्टोरी। इसमें हीरो हीरोइन से बहुत मोहब्बत करता है और हीरोइन भी मोहब्बत करती है, लेकिन उसे लिफ्ट नहीं कराती जैसे तुम मुझे लिफ्ट नहीं कराती। उठो ना आसमा, चलो मूवी देखने चलते हैं। अच्छा हम कोई और मूवी देख लेंगे, प्लीज उठो मुझसे बात कर रहा। अच्छा तुम रेस्ट करो, हम मूवी देखने नीचे, मैं तुम्हारे पास बैठा हूं। हसन तुम सुने नहीं रहे थे? हाँ नहीं नहीं सुन रहा, बोलो। मैं पूछने आई थी कि वो अम्मी ने जो कहा वो सच है? हाँ सच है। मैंने सोचा मैं खुद ही तुमसे पूछने आ जाऊं, मैं तो अम्मी के दिलासों से थक गई। मुझे अब दिलासों की कोई जरूरत नहीं, इसलिए जो कुछ उन्होंने कहा वो बिल्कुल सच है। तो तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? खाला ने बता दिया। हाँ और मैं तुम्हें बताने आई थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी तर्स खाने की जरूरत नहीं है। हाँ वो खाला की वजह से हालत खराब हो गई थी मेरी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने अम्मी को भी समझाया है कि वो तुमसे बिल्कुल जबरदस्ती ना करे। कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता मुझसे, अम्मी की ख्वाहिश थी कि मैं तुमसे शादी करूँ। जीते जी उनकी ये ख्वाहिश मैं पूरी नहीं कर सका, लेकिन आज जब वो इस दुनिया में नहीं है, तुमसे शादी करके कम से कम उनकी रूह को सुकून तो पहुंचा सकता हूँ। लेकिन हसन हालांकि रूह को सुकून तो तब पहुंचेगा ना जब तुम्हें सुकून होगा। मेरा दम घुट रहा है इस घर में, मुझे बाहर निकलना है। ठीक है मैं हसन से कहती हूँ वो तुम्हें ले जाए। नहीं मुझे अकेले जाना है। किसी को ये मत बताइएगा कि अम्मी का इंतकाल कैसे हुआ, ये कहिएगा कि वक्त आ गया था उनका हार्ट फेलियर। पागल नहीं फरिया, पागल। मैं जानता हूं कि तुम पागल नहीं, प्लीज जागो। ATV सारे रंग हमारे।